नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान आजाद है, हम सब आजाद हैं, मैं आजाद हूँ, हम सब एक दूसरे की नजरों में आजाद हैं, पर शायद नजरियों में नहीं। क्या एक औरत के खुलेआम हंसने पर पाबंदी लगाने वाले आजाद हैं? क्या एक औरत को मर्दों का काम करने से रोकने वाले आजाद हैं? क्या एक बेबस औरत का पीछा करने वाले आजाद हैं? नहीं, ये सब गुलाम हैं गलत सोच के, जिसकी वजह से आज भी हमारे घर की औरतों की आजादी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और यही मानसिकता जन्म देती है बड़े अपराध को। टायर के निशान किसी ट्रक के लगते हैं। आसपास के किसी पिंड वाले ने कुछ देखा, कुछ बताया? नहीं जी, अभी आधे घंटे पहले मेरे को पिंड वालों का फोन आया, तो मैंने आपको खबर कर दी। इसका मतलब एक्सीडेंट करने वाला अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। कहीं ऐसा तो नहीं रहना किसी ने जानबूझ के इस पर ट्रक चलाया हो? रब नू याद कर, उसके साथ भी रब है। लेकिन जो निशानियां पीछे, आगे पीछे की चिंता मत कर। मैं हूं ना, मैं भी माँ हूं। दादाजी, ये देखो मैंने मम्मी की तस्वीर बनाई। देखूं? ना, ये तेरी माँ नहीं है। ला, मैं बताऊं। देखा, ये है तेरी माँ, जनानी मुछड़ वाली है। ये ना भूलो, इस कुनबे की मूछें जीत की वजह से बची हुई हैं, वरना शमशेर दे मरण दे बाद सब लुट जाना सी। मेरे कुलजीते दी ड्राइंग खराब ना करो। चल पुत्र, अंदर खाना खा ले। अंदर क्या है? फुल जा। कोई पूछे कि 5 दिन लेट क्यों हुआ तो बता देना जो मैंने कहा। माँ, माँ, माँ,
पुत्र। मैंने पता था पराठों की खुशबू से तू जाग जाएगा। गर्मा गर्म पराठे। अरे गीत पुत्र, तू तो 5 दिन पहले आने वाली थी, कितने रह गई थी? वो झल्ला नंदू डिलीवरी के पेपर ही खो दिया। पटियाला चुंगी पे 5 दिन लग गए। बस ट्रकों को छुड़ाने में कस्टम वाले से देर हो गई। अरे पुत्र खा ले, गरम गरम है। हम लोग अपने घर में क्या इज्जत, कोई तो इज्जत होगी हमारी। कैसे लोग क्या बोले? हो गया ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कोई धरना देने वाले हो? धरना ही समझो जी, एड्स दे मरीज नु बाहर निकालो, ये हमारे साथ काम नहीं कर सकता है जी। लो जी, सरकार रेडियो में टेलीविजन में ज्ञान दे देकर थक गए कि ये रोग छूने से ना फैलता। मारी अकल घुटने में ना है जी, अगर इसे काम से नहीं निकाला गया तो क्या? आप सब लोग कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं अपने पेट पर लात मारना चाहती हूँ ना ही सतिंदर के। हाँ किसी को यहाँ काम करके तकलीफ है तो वो अभी यहाँ से जा सकता है, लेकिन सतिंदर बलदेव ट्रांसपोर्ट छोड़कर नहीं जाएगा। लगता है इसकी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। निकालो मुझे। जहाँ दिलो दिमाग पे, जा दिलो दिमाग पे खौफ का साया न हो, खौफ का साया न हो। जहाँ गर्व से उठे हो सर, जहाँ गर्व से उठे हो सर शर्म से झुके न हो, शर्म से झुके न हो। जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो, सच्चाई की गूंज हो। जहाँ हर ख्याल आजाद हो, संयम हो, सद्विचार हो पर उन पर कपट की धूल न हो। जहाँ ज्ञान को, जहाँ ज्ञान को बंदिशों में बांधा न गया हो, जहाँ इंसानों को सरहदों में, सरहदों में बांटा न गया हो। हे प्रभु अब विश्व में ऐसे भारत का नव निर्माण हो, नव निर्माण हो। पैसे चुराए तुसी? तूने तेरी सास दे कान भरे? पैसे पेड़ ते नहीं उगदे, ए बेचारी दिन रात मेहनत करके कमांदी है और तानू मिंट नहीं लगदा उड़ान च। कोई तीर नहीं मारे है, मेरे बेटे दा जमा जमाया धंधा संभाल रही है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, ये सिर्फ नौकर है बलदेव ट्रांसपोर्ट की। बाबू जी मैं खुद को आप सबका नौकर ही मानती हूँ, लेकिन नौकर है तो मालिक क्यों बन रही है? अच्छा ये बता गोदाम में किसने छिपाया है? बोलना, लग गया ना जुबान पे ताला, लेकिन आज ये ताला टूटेगा, जुबान दा भी और गोदाम दा भी। शायद इन लोगों ने गायब कर दिया, यहाँ पक्का कोई था। यहाँ पर कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो ये जूठी प्लेटें कहाँ से आई? पता है थालियाँ यहाँ कहाँ से आई? ये जूठी प्लेटें हमारी है। नंदू कितनी बार कहा है तुझे खाना खाने के बाद प्लेटें धो दिया कर, पर तू एक ही बस। संदीप रुक, तूने किससे पूछकर गोदाम का ताला तोड़ा था? ज़्यादा ताप नहीं दिखा, मैंने पता है यहाँ पे कोई था। ओए बात सुन, मैंने अकल के साथ साथ घुटने भी चलाने आते हैं और साथ में जुतियाँ भी। तू निकल यहाँ से और वहाँ जाके नौकरी करना जहाँ तुझे जासूसी के पैसे मिले। चलेगा यहाँ से?
थैंक्स हरप्रीत, तूने तो मेरी ऐन मौके पर मदद कर दी, वरना आज मैं तो बड़ी मुसीबत विच फंस जाती। लेकिन यार कहीं इस मुसीबत को अपने घर विच पाके मैं फंस गया तो? ना ना, अरे मैं मुसीबत विच फंस जावांगी पर तैनू नहीं फंसने दूंगी। ऐसी गल करके यार मैनू शर्मिंदा ना कर। लेकिन ये कर क्या रही है तू? मैं सब कुछ बताऊंगी पर अभी फिलहाल किसी को कुछ मत बताना। जी, आप मेरा पीछा करने वाले थे ना? हाँ, अभी मैनू मालूम है तू कुछ गड़बड़ कर रही है। ये खाना किधर वास्ते ले जा रही थी? बाबूजी आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दो। तेरी सास तुझे बहुत महान समझती है ना, देखना एक दिन वो तैनू इस घर से निकालेगी। उंगली फुंकारे कोयल दी कूक। ओए नंदू, रेडी क्या? मम्मी मम्मी, बरनाला से मेरे लिए ये सब चीजें लेके आना। हाँ पुत्र जी, ले आऊंगी। पुत्र जी एले, टाइम भी खा लेना। पुत्र जी कोई परेशानी? नहीं मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं है, चलती हूँ। चल पुत्र, अपना ध्यान रखना। नंदू ये रख दे। उस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या का टाइम राती 2 बजे के आसपास। लेकिन सर जी विक्टिम की बॉडी पे कुछ इंजरीज और जले के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बॉडी पे पाए गए निशानों से यही लगता है राणा कि किसी ने इसे बांध के बहुत टॉर्चर किया है और ये अपनी जान बचाने के लिए हाईवे पे नंगे पैर कई किलोमीटर दौड़ी है, इसलिए इसके तलवे जख्मी थे। अब पता ये करना है कि भागते हुए हाईवे पे इसके साथ कोई एक्सीडेंट या हादसा हुआ या फिर इसे भगा भगा के ट्रक के नीचे कुचलना भी इसके टॉर्चर का हिस्सा था। सर जी मैंने एक्सीडेंट स्पॉट के पास वाले सभी एरिया में पूछताछ की लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो औरत को पहचानता है। पर राणा मैनू बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इसको कुचलने वाला इसे जानता होगा। एक काम करो, हत्या के समय से सुबह तक हाईवे के दोनों तरफ के टोल बूथ क्रॉस करने वाले हर ट्रक हर लॉरी का डिटेल निकालो। अरे सुखविंदर, जरा एक प्याला गर्मा गर्म चाह पिला दे, अदरक वाली है। ऐथे मैं गीते दी फिकर च मरी जा रही हूं और तानू चाह दी पई हुई है। तुम जनानी नू तो टेंशन लेने की आदत है। अरे कहीं अटक गई होगी, अब उसके ट्रक में कोई बिजली का खंभा तो लगानी है जो फोन चार्ज कर लेगी। उसी मेरे नाल चाह पियो, सब अच्छा हो जाएगा।
तुसी मैनू ता समझा लोगे, पर उस कुलजीते नू किस तरह समझाओगे कि उस दी मां किथे है? सत श्री अकाल जी। हरप्रीत तू इत्थे की कर रहे? कुलजीते दे वास्ते जलेबी लाए सी। कुलजीते आ जा इधर आ, ये ले फड़। ना क्या गीत नहीं दिख रही? कुलजीते अंदर जा ते अपनी मम्मी नु फोन लगा। क्या गीत दा नंबर नहीं लग रहा? गीत दी फिकर असी कर लांगे, तू जा और मेहरबानी करके दोबारा ना आए। ले फड़। सत श्री अकाल। दार जी चाई जी उत्थे कोई है? मैंने खिड़की तो देखा, मनु देख रहा सी। नहीं पुत्र जी उत्थे कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा चाई जी, उत्थे कोई सी। इस नंबर का ट्रक सिरसा बरनाला रोड पर सरदूलगढ़ बॉर्डर क्रॉस करके सिरसा की तरफ तो गया, लेकिन सिरसा चुंगी नहीं पहुंचा। ये मतलब निकलता है कि ये ट्रक सिरसा और सरदूलगढ़ के बीच में कहीं पे खड़ा है। एक काम करो, सरदूलगढ़ बॉर्डर की फुटेज में इस ट्रक को आइडेंटिफाई करो। पता करो ये औरत कौन है, ये ट्रक किसका? जी जब पुलिस ने गीत का बैकग्राउंड चेक किया और इंक्वायरी शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, और इस खुलासे के तार उस अज्ञात महिला के शव से भी जुड़े थे जिसकी हत्या गीत के ट्रक से हुई थी। लेकिन क्या गीत का कनेक्शन इस केस में सिर्फ हिट एंड रन केस से ही था, या फिर राज कुछ और भी थे? सर जी ये ट्रक मानसा के बलदेव ट्रांसपोर्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है, और इस औरत का नाम है गीत कौर। इसका पति शमशेर सिंह बलदेव ट्रांसपोर्ट का मालिक था जो 8 महीने पहले गुजर गया। तब से बलदेव ट्रांसपोर्ट की कर्ता धरता ये गीत कौर ही है। सर जी मानसा के पुलिस स्टेशन में गीत की सास सुखविंदर कौर ने 23 अगस्त को गीत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। मिसिंग कंप्लेंट? हाँ जी, रिपोर्ट के मुताबिक गीत कौर 20 अगस्त की रात को मानसा से बरनाला के लिए निकली थी, और उसके साथ उसका क्लीनर भी था, नाम है नंदू। पुत्र जी थोड़ा तक खा लो। जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुसी ऐथे बैठे चाय पींदे रहोगे या गीत दा कुछ पता भी करोगे? पुलिस नो खबर तो कर दी है, जब मिलेगी तो पुलिस आ जाएगी। सर जी हमें नहीं पता ये कौन है। आप नहीं तो शायद गीत जानती हो। गीत? पर ये है कौन? 21 अगस्त की सुबह इस लड़की की लाश हमें सिरसा मानसा रोड पर मिली है। इस लड़की का एक्सीडेंट गीत के ट्रक से हुआ है, और शायद इसीलिए गीत फरार है। नहीं नहीं साहब जी, गीत ऐसी नहीं है। अगर कोई गीत की ट्रक के नीचे आ भी जाता ना तो इसे अस्पताल पहुँचाती पहले, सड़क पर मरने के लिए छोड़ के नहीं भागती। वो बीजी अगर भागी नहीं तो गई कहाँ? और आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हुए ये बताया था कि वो मानसर से बरनाला की तरफ गई थी, तो फिर उसका ट्रक सिरसा की तरफ क्यों गया? वो सिरसा की तरफ गई? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? पर किस लिए? देखिए सर जी, अगर हमें गीत में छिपाना होता तो हम उसे मिसिंग की कंप्लेंट क्यों लिखाते? ओ बाबूजी, अगर हमें गीत में शक ना होता तो हम ये सर्च वारंट क्यों लेके आते? सर जी देखो जी, अगर गीत यहां आती है या आपको फोन करती है या किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो हमसे छुपाने की गलती ना करना।
सास ससुर रिश्तेदार ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे ड्राइवर सबके फोन सर्विलेंस पर डालो। मुझे लगता है गीत इनसे कभी ना कभी कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन सर जी मानसा पुलिस स्टेशन में मैंने गीत के बारे में पता किया तो वहाँ के एसआई सतपाल को गीत के पिंड वालों से गीत के बारे में मिली जुली राय मिली। कुछ उसे पसंद करते हैं कुछ नापसंद। नापसंदगी की वजह? सर जी उसके कंपनी में कई ड्राइवर थे फिर भी जनानी होकर वो खुद ट्रक चलाती थी और कई कई दिन तक घर भी नहीं जाती थी। इस गीत के कॉल डिटेल निकालो, पता लगाने की कोशिश करो कि असल में ये औरत थी कैसी, और ये भी पता करने की कोशिश करो कि जिस औरत की लाश मिली थी वो कौन है और उसका गीत के साथ क्या कनेक्शन है। जी सर जी, मैंने गीत के फोन रिकॉर्ड चेक किए, उसका फोन 20 अगस्त की रात सरदूलगढ़ हरियाणा बॉर्डर के पास एक्टिव था जहां हमें उस औरत की लाश मिली थी। और उसी रात से गीत और क्लीनर नंदू दोनों के फोन बंद है सर जी। और जिस औरत की लाश मिली थी उसकी कोई पहचान हुई? अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा जो उसने पहचानता हो। गीत और नंदू इनके कॉल डिटेल में ऐसा कोई मिला जो हमारे किसी काम आए? सर जी गीत की पिछले दिनों उसी के पिंड के हरप्रीत सिंह दे नाल काफी बातचीत चल रही थी देर रात में भी, लेकिन हरप्रीत का गीत के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। ये गीत और हरप्रीत का कोई अफेयर तो नहीं हो सकता है? सर जी हरप्रीत गीत को शमशेर और गीत की शादी से पहले से जानता था, और सर जी जब मैंने पिंड वालों से पता किया तो पता चला कि शमशेर के पेरेंट्स को हरप्रीत और गीत का मिलना जुलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं रहना कि गीत हरप्रीत के घर छुपी बैठी हो? हरप्रीत जी, गीत अंदर है? गीत नहीं जी। चल देख लेते हैं, तलाशी लो घर की। कहाँ गीत? अरे बच्चे कहाँ से आ चले? सर मैंने नहीं पता गीत कितने, इन बच्चों को मेरे डांस छोड़कर पता नहीं कितने गायब हो गए सर। इसके बच्चे हैं? सर मैंने कुछ नहीं पता, हफ्ते भर पहले रात में गीत आई थी। गीत तू यहाँ इस वक्त? हरप्रीत मेरी एक मदद कर दे यार। पहले उसने बच्चों को अपने गोदाम में छुपा के रखा था, फिर मैंने चाबी देकर बोली कि इन्हें अपने घर ले आऊं, सर मना नहीं कर पाया सर। सर गीत ने मैनू बस इतना बोला कि वो इन बच्चों की मदद करना चाहती है और इन्हें जल्दी मेरे घर से ले जाएगी। इसे देखा कभी गीत के साथ? नहीं सर। देख हरप्रीत अगर तेरी एक भी बात झूठ निकली ना, ना बोलने लायक बचेगा ना बैठने लायक, आगे गल समझ? लेके चलो अनु। चल लो बेटा पी लो, लो खाओ। कबराना मुत्तर, क्या नाम है तुम्हारा? माँ चाहिए मुझे। बड़े से पहचानती हो? मारी माँ खड़े से। ये तुम्हारी माँ है? क्या नाम है तुम्हारी माँ का? माँ। बेटा इसे पहचानती हो? ये बंडे से। यही आंटी को यहाँ लेके आई थी? सर जी ये लड़की तो हरियाणवी है, लगता है इसकी माँ भी हरियाणवी होगी। पता करो गीत का हरियाणा में कहाँ कहाँ आना जाना था। सर नहीं, सर मैंने नहीं जानता, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने शक हो गया था कि गीत ने किसी ने गोदाम में छिपा रखा है। कैसे शक हुआ आपको? वो संदीप ने
नंदू और गीत को बात करते हुए सुना था। संदीप कौन? ये सर, ये नंदू वही है ना जो गीत के साथ था? हाँ सर, एक नंबर का छठा बदमाश है, गीत ने सर पे चढ़ा रखा था उसको। कहाँ रहता नंदू? सर वैसे तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन कहीं भी सो जाता है, ट्रक में, गोदाम में या ऑफिस की छत पर। अच्छा, ये गीत का हरियाणा आना जाना होता था? सर हरियाणा क्या, वो तो यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली सब जगह जाती थी। ये देखिए सर, ये रजिस्टर है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। सर जी, ठीक है जी, सत श्री अकाल। मैंने पता किया, कुछ साल पहले शमशेर को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ ठोस सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। मतलब साफ है, शमशेर के बाद गीत ने शमशेर का बिजनेस संभाला, और ये बच्चे जरूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लाए गए थे, और जब बच्चों की मां ने विरोध किया, गीत ने उस पर ट्रक चढ़ा दिया। नहीं साहब जी, हमारा शमशेर ऐसा नहीं था, और गीत भी। अगर गीत का ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो उन दो बच्चों को अनाथ करके अपने साथ क्यों लाई? वो हरप्रीत आपसे झूठ बोल रहा है, उसकी बुरी नजर थी मेरी गीत पे, और वो गीत को फंसाना चाहता है। और बीजी, अगर गीत सही है तो फरार क्यों है? फरार नहीं है साहब जी, कई बार रास्ते में ट्रक अटक जाता है। कुछ दिनों पहले ही पटियाला चुंगी पे 5 दिन तक ट्रक फंसा रहा। तारीख क्या थी तब? राणा, पता करो गीत का ट्रक पटियाला चुंगी पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तो नहीं पकड़ा गया था? जी। सर जी, मैंने पटियाला चुंगी पे पता किया, उन डेट्स पे तो गीत का ट्रक पटियाला चुंगी पे गया ही नहीं, बल्कि उन 5 दिनों में गीत की फोन लोकेशन सरदूलगढ़ बॉर्डर के पास हरियाणा के मलोर गांव की थी, और 20 अगस्त की रात को भी उसकी फोन लोकेशन यही की थी सर जी। मतलब वो दो बच्चे और औरत मलोर गांव के ही हैं। सर, गीत का फोन अभी अभी ऑन हुआ है, सरदूलगढ़ बॉर्डर के पास हरियाणा के खुर्द गांव में। सर जी, खुर्द तो मलोर से 15 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। चलो। जल्दी ले। एक मिनट, ये मैं लूंगा। ओए, तो ये बोलती मैं लूंगा, फोन को खराब कर रहे हैं साहब। उसे गीत कहाँ है? कौन गीत साहब? जिसका फोन है तेरे पास। साहब ये फोन तो मैंने प्यार मिला सीगा। अच्छा, हाँ जी, कितने? चेक करो। चलो आओ साहब, इधर मिला जी साहब, इधर। आसपास का एरिया सर्च करो राणा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। पुलिस गीत को अभी तक एक फरार क्रिमिनल मानकर ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद इस केस का रुख ही बदल गया। गीत भी एक पीड़ित की तरह सामने आई है, लेकिन जिस औरत की लाश पुलिस को मिली थी, उसका गीत से क्या कनेक्शन था? आखिर गीत क्यों उसके बच्चों को अपने साथ लेकर गई थी, और गीत का हेल्पर नंदू अब कहाँ था? सर जी, अभी अभी गीत के क्लीनर नंदू का फोन ऑन हुआ है, लोकेशन जलंधर हाईवे के पास एक ढाबे की है। अपनी एक टीम भेजो वहां, क्विक। आजी मनु मां चे दिया ते अरे पिन में ना कटवा दे मरी है करम जली। तू सुनो दे, बच्चे अनाथ करने वाली दा खुद दा बच्चा अनाथ हो गया। नहीं, साड़ी गीत ऐसी नहीं थी। सर जी,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गीत के सर पर किसी भारी पत्थर से वार किया गया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। सर जी, मैनू लगता है कि बारिश की वजह से वो आग बुझ गई। इसका मतलब ये हुआ राणा कि कोई ये चाहता था कि गीत की बॉडी आइडेंटिफाई ना हो, पर ऐसा कर कौन सकता है और इस नंदू की क्या भागीदारी हो सकती है? हाँ बलजीत, ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर जी, मल्लोर गांव के बाहर गीत का ट्रक मिला है, लेट्स गो। गीत का मलौर में आना जाना था राणा, मुझे लगता है ये ट्रक इस गांव में जरूर उसके जान पहचान वालों ने खड़ा किया होगा जिनके साथ वो ट्रैफिकिंग का कारोबार करती थी। राणा एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो किसने कुछ देखा। जी नहीं सर जी, किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा तो गांव चलते हैं, पता करते हैं उस औरत को और दो बच्चों को कोई जानता है कि नहीं। सर जी, मुझे लगता है पूरा पिंड मिलकर हमसे कुछ छुपा रहा है। पुत्र जी, दूध पी लो। कुछ तो शर्म करो, गीत नु मरे कुछ ही दिन होए और उस दी कमाई थी ऐयाशी कर रहे हो। तू मुझे सिखाएगी? दादाजी। यार। हाँ बेटा, यही गांव है तुम्हारा? हाँ। तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ है? हमें लेके चलोगी अपने घर? क्या हो बेटा, कौन सा घर है तुम्हारा? अम्मा, अम्मा, ये मेरा है। अम्मा। धर्म। क्या हो गया अम्मा? साक्षी मंडो को बेटा, क्या लगते हैं तुम्हारे बापू? कौन बोल? नहीं नहीं साहब जी, बच्ची झूठ बोल रही है। तू ये राजा हरिश्चंद्र जी? अरे साहब जी, मेरी फरार मत। तू भी चलो साहब, चल। पति शमशेर हमारे गांव में शादी के लिए छोरियां सप्लाई करता था। शादी के लिए? हाँ साहब, वो हमारे और हमारे आसपास के गांव में छोरियां की बहुत कमी से, इस खातर शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए छोरियां खरीदनी पड़ती है। अब साहब, इतना पैसा देना सबके बस की बात तो नहीं है। तुम एक ही छोरी से दो दो तीन तीन भाई शादी करते हैं। हम तीनों भाइयों ने भी सपना को शमशेर से खरीदा था। शमशेर भाई जी की मौत के बाद गीत परजाई ने जब उनका कारोबार संभाला तब उन्हें शमशेर भाई का ये धंधे का पता चला। गीत परजाई जी ने वो काम करने से साफ मना कर दिया। उनको बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने तय कर लिया कि जो लड़कियां शमशेर भाई की वजह से मल्लोर में बेची गई है उन्हें कुछ भी करके छुड़ाएंगे और एक दिन हम मल्लोर पहुंचे। क्या कर रही है तू?
बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा तनु, मैं हूं ना, संभाल इसे। ओए कौन है? धर्मशाला में रुके और उन्होंने सपना के घर का पता लगा लिया। परजाय जी ने सपना को भरोसा दिया कि वो उसे और उसके बच्चों को रात को ही अपने साथ लेके जाएंगे। चल वो कौन है? आप लोग जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप लोग जाइए, आप मेरे बच्चों को बचाइए, जाइए यहाँ से। हमने सपना के बच्चों को तो बचा लिया पर सपना को नहीं बचा पाया। फिर साहब एक दिन हमें पता चला कि वो उस शमशेर की लुगाई थी जो हमारे बच्चों को लेके गई। तो साहब इस मनसा में हम उसके गाँव गए पर हमने अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि उसने कहाँ छुपा के रखा। दादी चाय जी उत्ते कोई है, मैंने खिड़की तो देखा। एक दिन हमें पता चला कि गीत खुद हमारे गांव आ रही है। हम उस रात सपना को बचाने के लिए वापस मल्लोर गए। जय जी मैंने उनको चकमा दे दिया, चलो जल्दी से। चल चल चल। भाई साहब अब शारी ना करी। अरे उतरो नहीं तो काट के रख दूंगा। बहुत चर्ब जी ना तने, अब तो तने अपनी कलाड़ी बढ़ा के रखूंगा। अब तू तू तो आज गया। चल रुक जा, रुक जा, भाग जा तुम लोग। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के भाग गया। छोरा तो भाग गया, वो हमने गीत के ट्रक से ना सपना को कुचल दिया। और मैं सोचा साहब कि ट्रक गीत का है, सके जो है वो गीत तो नंदू पे जाएगा। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि गीत शमशेर की बीवी है और वो ही सपना के बच्चों को अपने साथ लेकर गई है? उस साहब वो बलदेव जी तो थाने चलो, सब समझ में आ जाएगा। मैं जानता था कि शमशेर धर्म के जरिए मलोर में लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था, इसलिए जब मुझे ये पता चला कि उस रात गीत और नंदू मलोर से वापस आए हैं और गीत अपने साथ दो बच्चों को उठा करके लाई थी, मैंने ये बात फौरन फोन करके धर्म को बता दी। मैं ये भी जानता था कि गीत और नंदू उस औरत को बचाने के लिए ज़रूर जाएंगे, इसलिए जैसे ही वो घर से निकले मैंने धर्म को फोन करके ये बात भी बता दी। एदा मतलब है तुसी जान बूझ के अपनी बहू की जान खतरे में डाली? क्योंकि मेरी बहू मेरे बेटे के कारोबार की मालकिन बन गई थी जो मुझे फूटी आग नहीं भा रहा था। बलदेव जी अब अपना बाकी का बुढ़ापा जेल में बिताना। जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो, जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो। आज हमारे देश को आजाद हुए 69 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश कई तरह की मानसिकताओं की गुलामी का बोझ ढो रहा है। अगर हमें सही मायनों में पूर्ण स्वराज चाहिए तो हमें अपने नजरियों पर लगी हुई बंदिशों को तोड़ना होगा, क्योंकि यही बंदिशें महिलाओं को पुरुषों के अहंकार का शिकार बनाती हैं। क्या अर्थ है आजादी का? इस देश के हर नागरिक के लिए आजादी के मायने क्या है? हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की, सोचने की, सरकार चुनने की, अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। लेकिन अगर एक की आजादी दूसरे के लिए घुटन भरी जिंदगी बन जाए तो? आज की कहानी ना सिर्फ ऐसे कई सवाल उठाती है बल्कि हमारे समाज का ही एक घिनौना रूप भी दिखाती है।
मैंने कहा लिया जानते छो वंशू चिंता ना कर चुपचाप फिर बाय बाय पेड़ बाय बाय काले कौवे बाय बाय कच्ची सड़क बाय बाय पक्षी तू क्यों बोल रहे हो सब कभी नहीं मिलेंगे ऐसा बोलो जल्दी ही मिलेंगे मेरा चुप करा शाम बेची ना करा बच्चे तुम लोग चलो चलो मैं देखता हूँ चलो अरे अरे एक बार कोशिश तो कर कोशिश करके देख नहीं जा पाऊंगी चल चल एक बार कोशिश करके देख चल नहीं जा पाऊंगी मैं रघु भैया हम दीदी के घर कब पहुंचेंगे? पहला दिल्ली जाएंगे वहाँ तुम सब जन छोले कुलचे का नाश्ता करना उसके बाद मुंबई में मिसल दीदी मिसल क्या होता है बच्चा मिसल ना वहाँ का बहुत अच्छा नाश्ता होता है हम लोग मिसल खाएंगे भैया हम लोग मिसल खाएंगे मिसल खाएंगे चलो जल्दी चलो जल्दी चलो अभी बहुत रात हो गई है उसका मालिक गुस्सा करेगा कल तुम सब जन अपने घर वालों से बात करना चलो जल्दी चलो चलो अंदर चलो 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 जल्दी 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 करो जल्दी अभी तुम सब लोग आराम करो मैं कल सुबह आऊंगा ठीक है क्यों लाया गया था केसरी जैसी लड़कियों को और छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली में क्या होना है इनके साथ कुदरत की मार सह चुके पड़ोसी देश के ये बच्चे अब इंसानों के हाथों और क्या सहने वाले थे क्यों भेड़ बकरियों की तरह उन्हें वहां रखा गया था क्या इन दोनों कहानियों का कोई सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था अरे मेरा बच्चा कहां चला गया मेरा बच्चा मैं नहीं बुलाया था साहब आपको सब मेरा बच्चा बॉडी को लेके चलो जाने मेरे बच्चे को आएगा जाने जाने मेरे बच्चे को छोड़ना मैं तुम लोग की जाको जाने जाने मेरे बच्चे की सर लड़की का नाम लोकेशा है नेपाली है हमें ये पता करना होगा कि यहाँ से कुछ चोरी भी हुआ है क्या अभी ना बच्चे की माँ बोलने की हालत में है ना बच्चे का बाप बोलने की हालत में पहले हमें इस लोकेशा के बारे में पता करना होगा सोसाइटी के पास क्या जानकारी
कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से आई थी, उसकी फैमिली कहाँ है, उसके पास फ़ोन था या नहीं, अगर था तो उसका नंबर क्या है, कभी ना कभी अपनी फैमिली से बात हुई होगी, उसके फ़ोन को सर्वेलेंस पे डालते हैं। यस सर। ए सीमा, सीमा सारा दिन तू अकेले ही बात करेगी क्या? रख फोन, रख। कैसे तू बात कर? हेलो दीदी, मैं केसरी बोले को तपाई कस्तो छ दीदी? मैं दिल्ली पहुंच गई रघु भैया के साथ, साथ में ये बात करोगे? हाँ, हेलो, पुलिस की गाड़ी चलो फोन रख, बहुत बात हो गई। रघु भैया, मेरी दीदी से पूरी बात नहीं हुई है। तो बाद में बात कर लेना, चल। ऐसे कैसे चले, मेरी तो बात ही नहीं हुई है, मुझे भी अपनी दीदी से बात करनी है। ये गुस्सा मत दिला मेरे को, समझी ना, मैं तो सबकी धुलाई करूंगा। चलो चलो। आप लोगों ने मेड का वेरिफिकेशन नहीं करवाया? पढ़े लिखे लोग हैं आप, आपकी सेफ्टी के लिए ये रूल। सर, एक साल से वो हमारे साथ में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी उसने सारा काम अच्छे से किया, तो हमने वेरिफिकेशन नहीं करवाया, बस इतना पता है वो नेपाल से थी। बेडरूम का लॉकर तो हमेशा बंद रहता था, ज्यादा कुछ लेके नहीं गई, एक दो गहने और थोड़ा बहुत कैश लेके भाग गए। पैसों और गहनों की हिफाजत का इतना ख्याल है और बच्चे की हिफाजत का क्या, छोड़ दिया एक अनजान नौकरानी के भरोसे। सर, लोकेशा के कमरे में ना बैग है, ना कपड़े, ना उसकी कोई फोटो। सर, एक फोटो है मेरे पास उसके। नैनी कैम या बेबी कैम नहीं लगवाया? आजकल लगवाते हैं लोग घरों में। सर, मैंने बोला था जिग्नेश से, पर नहीं लगवाया इन्होंने। आप एक काम कीजिए, ये फोटो आप मेरे नंबर पर भेज दीजिए। ये लड़की लोकेशा कैसे मिली आप लोगों को? वो हमारा वॉचमैन लाल मणि लेके आया था उसको। साहब जी, मेरा मती मर गई थी, जो उसको मदद की, एक पहचान वाला ने बोला बेचारी परेशान है, मदद करो, मैंने यहाँ काम पर लगा दी। इससे पहले कहाँ काम करती थी? दिल्ली में काम करती थी साहब जी, फिर दिल्ली से एक साल पहले यहाँ आ गई। नेपाल में कोई है उसका? कहाँ की रहने वाली थी, कुछ पता है तुम्हें? एक बहन है और दो ही छोटा भाई है, बस इतने ही जानता हूँ। ठीक है सर, कहीं वापस नेपाल तो नहीं भाग गई? हो भी सकता है, लेकिन पहले उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उसकी आखिरी सेलफोन लोकेशन पता चलेगी, तभी हम कुछ एक्शन ले पाएंगे। एक मासूम बच्चे का खून हुआ, हमें जल्द से जल्द खूनी को पकड़ना है। यस सर। लोकेशा ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? कोई भी अपराध, वजह चाहे जो भी हो, जायज नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छे और परिपक्व समाज में ये सवाल तो उठना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा अपराध क्यों किया? क्या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी? कहानी के दो सिरे थे, दूसरे सिरे पर थे सरहद के कच्चे रास्तों से लाए गए बच्चे और लड़कियां। क्या इनमें से किसी का लोकेशा की कहानी के साथ कोई रिश्ता था? जुर्म का जो बीज मुंबई में बोया गया था, क्या उसकी जड़ें दिल्ली में थी? पुलिस ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया था और वो इस अपराध की जड़ तक जाने वाले थे। सर, ये रहे लोकेशा के फोन कॉल रिकॉर्ड, इधर देखिए सर, ये दिल्ली का नंबर है, दिल्ली के किसी पीसीओ से फोन आया था। लोकेशा पहले दिल्ली में ही काम करती थी, ऐसा उस वॉचमैन ने बताया था। हो सकता है लोकेशा के भाई बहन भी दिल्ली में ही। सर, लास्ट सेंड फोन लोकेशन मुंबई सेंट्रल के आसपास है, लगभग 5 बजे। मैंने ट्रेन की टाइमिंग्स भी पता कर लिया, दिल्ली और पंजाब की ट्रेन है। लोकेशा भागकर दिल्ली ही गई होगी, क्योंकि नेपाल में तो उसका कुछ बचा ही नहीं था। एक काम करो सर, लोकेशा का फोटो और उसका फोन नंबर दिल्ली पुलिस को भिजवाओ और बोलो कि हम भी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब इस केस की गुत्थी मुंबई से नहीं, दिल्ली जाके ही सुलझेगी। दीदी, यहाँ पे कितनी गंदगी रखी है, हमें यहाँ पे क्यों रखा हुआ है इतनी गंदगी में? आप रघु भैया से बात क्यों नहीं करती हो? चलो चलो, बहुत सो लिया, जल्दी उठो, सुबह हो गई। चलो 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 चलो। दीदी मैडम, कैसे सामान लाए हो? ये दोनों घर के काम के लिए अच्छी है, ये पार्लर के लिए अच्छी रहेंगी, और इन बच्चों को फैक्ट्री में डालेंगे, और ये पढ़ी लिखी है, 10वीं पास है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोलती है, इसको। मैडम जी, एकदम कड़क माल है, जबरदस्त। बिल्कुल सही कह रहे हो,
किसका क्या करना है मैं बताऊंगी, तुम ख्याल रखो इन सब का। रघु भैया, मुझे दीदी से कब बात कराओगे? मेरे दोनों भाई बहुत डरे हुए हैं। चिंता न कर, जल्दी मिलाऊंगा, ठीक है? आराम करो, चलो दाई, चलो। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही। हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, हाँ? आंखें बंद करके तुम्हें सब कुछ याद आएगा, हमारा गांव, वो झरना, वो बादल देखो नीचे नीचे आ रहे हैं। हम जल्दी घर पहुंचेंगे, हाँ? तुम सब डरो मत। वो रहा शॉप, इस औरत को जानते हो? देखा है कभी? इसी पीसीओ से फोन किया था किसी ने इसे? नहीं सर जी, इसे देखा तो नहीं है। ये नेपाली है क्या? हाँ। इसकी बिरादरी की कुछ लड़कियां फोन करने आती थी, सब नेपाली दिखती थी। कहाँ रहती हूँ? यही पास में एक मंजिला इमारत है, उसी के ऊपर रहती है। ठीक है, सर्च करो अच्छी तरह। सर हर तरफ गंद पड़ी है, वहां बाल्टी में भी। किसी केसरी नाम की लड़की की है, क्यों रहती होगी वो इस नर्क में? नेपाल के कमादी गांव के स्कूल की है। सर ये देखिए, यहां जरूर कोई क्राइम हुआ है, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर कई सवालों के जवाब पुलिस के हाथ आते आते छूट गए और मुजरिम फरार हो गए। लेकिन मुजरिम सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि वो कानून से दो कदम आगे हैं, पर कानून की मजबूत गिरफ्त से ना तो कोई मुजरिम बच पाया है और ना ही बच पाएगा। देश को जुर्म से आजाद कराने की जद्दोजहद में लगी पुलिस फोर्स किसी भी कीमत पर इस जुर्म की जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर कर सब बताता हूँ सब। यहाँ कुछ नेपाली लोग रहते थे, कुछ बच्चे और कुछ लड़कियां आते जाते रहती थी साहब। कभी कभी उनसे मिलने वाले लोग भी आते थे साहब। हमेशा से वही लड़कियां रहती थी? नहीं साहब, अलग अलग लड़कियां आती और जाती थी साहब। कमरा किसको किराए पे चढ़ाया था? एक कृति मैडम है साहब। लड़कियां यहाँ क्यों लाई जाती थी, क्या होता था उनके साथ? वो तो पता नहीं है साहब। किसी के नाम एग्रीमेंट कुछ होता था क्या? हाँ साहब, नोटरी का ठप्पा लगा किराए पर चढ़ा दिया था साहब। हर महीने समय पे अच्छा किराया आता था साहब। अब बता ये कीर्ति कहाँ मिलेगी? दक्षिण दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर है साहब। ले जाओ इसे। ये केस एक बच्चे के मर्डर से शुरू हुआ था, लेकिन लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है ये, जिसके तार तीन जगह से जुड़े हैं, नेपाल से, दिल्ली से और मुंबई से। मैडम स्पेशल वाली मसाज चाहिए, एकदम दिल खुश कर देने वाली। खन्ना साहब ने तो बहुत तारीफ की आपके बॉडी मसाज पार्लर की। ओह, तो खन्ना साहब ने भेजा है आपको? बिल्कुल। तब तो आपको मसाज भी खन्ना साहब वाली ही चाहिए होगी। एकदम। अच्छा तुम बात कर लो, आइए प्लीज। चलिए। आइए आप यहाँ बैठिए, मैं भेजती हूँ। आ जाओ,
ये देखिए स्पेशल मसाज के लिए। कोई फ्रेश पीस नहीं है? फ्रेश है ना, जाओ अंदर से दूसरी लड़कियों को भेजो, बिल्कुल गुलाब की तरह ताजी ताजी फ्रेश। अभी देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए। इक्कीस, 17, 19, 20 और तुम 18 की। अरेस्ट कर लो इन सबको। अरे सब रुकिए ना, कुछ ले दे करके यहाँ ले दे लेंगे, थाने में कर देंगे। बहुत ऊंचे तक है, पहुंच थाने में निकल। सिंह अंदर देखो, कोई और नहीं। चलो हो गया मसाज, चलो साहब। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तुम्हारी बात थाने में। ये सारी लड़कियां हम नेपाल से मंगवाते थे, इनमें जो जवान होती थी उसे धंधे पे लगा देते थे, और जो बुढ़ी होती थी उसे घर के कामकाज के लिए, और जो बच्चे होते थे उन्हें फैक्ट्री में। साहब जो लड़कियां बचती थी उन्हें अपने पार्टनर में लगवाते थे। अभी हाल ही में जो लड़कियां लाई गई वो कहां है? सर सब तो आपने छुड़ा ली। ये नेपाल से लड़कियां लाता कौन है? सब रघु। कहां मिलेगा ये रघु? इसका नंबर क्या है और इसके साथ कौन कौन काम करता है? रघु का दोस्त शामू। शामू का एड्रेस क्या है? तिलक नगर, बलराम गली, मोती भवन। इनकी मदद से रघु का स्केच बनवाओ, सारे थानों में सर्कुलेट करो और पोस्टर भी लगवाओ। निर्दोष लड़कियों और मासूम बच्चों की तस्करी करता है, बाकी की जिंदगी जेल में चढ़ेगा तू। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ मदद करता हूँ, बाकी सब काम तो रघु करता है साहब। वो नेपाल से लड़कियों को लेकर आता और उनके परिवार वालों से कहता कि उनका अच्छी नौकरी दिला देगा। लोकेशा का साहब? लोकेशा तो सर मैंने सिर्फ नाम सुना है साहब, मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन रघु से लेकर आया साहब। केसरी और उसके दो छोटे भाइयों से मैंने उसका नाम सुना था साहब, लोकेशा का नाम। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। रघु कहाँ है? रघु कहाँ है साहब? रघु लोगों को लेकर ओखला निकला है साहब। ओखला में क्या है साहब? ओखला में टाइल बनाने वाली फैक्ट्री है साहब, वहीं बच्चों को लेकर गया है। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे बच्चे इतनी बुरी हालत में काम कर रहे हैं, बाल मजदूरी का रैकेट चलाता है। मारस! आप में से कोई इस लड़की को पहचानता है क्या? साहब ये मेरी बड़ी दीदी लोकेशा है और छोटी दीदी केसरी को रघु भैया लेके गए, और मेरा भाई महेश उस कमरे में है। कहाँ है बच्चा? कहाँ है? कहाँ है बता?
सर, बच्चा तो मर गया। महेश, क्या हुआ? महेश उठना, महेश। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को किसने मारा? जब केसरी दीदी चली गई थी तब महेश बहुत रोने लगा, फिर रघु भैया ने उसे गुस्से में बहुत मारा। बेटा जिसने भी तुम्हारे भाई को मारा है उसको सजा जरूर मिले। रघु, इन लड़कियों पे काम करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? हलाल करने से पहले खिलाया और सजाया जाता है। चलो कपड़े उतारो। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। अरे कपड़े उतारो। ये तेरे भाई हमारे पास है और उसकी जिंदगी तेरे पास, जैसा बोलती वैसा कर। केसरी और लोकेशा दोनों बहनें लापता, एक जुर्म करके भागी और दूसरी रघु के चंगुल में, कहाँ हो सकती है? सर, अभी तक इस केस में जो सुराग मिले हैं उससे तय है कि बच्चे और लड़कियां नेपाल से लाई गई और ट्रैफिकर्स ने उनके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। हेलो, ओके सर, लोकेशा का पता चल गया है। लोकेशा, बहुत घुमाया तुमने, चलो थाने लेके चलो इसे। दीदी आप क्यों जा रहे हो? आप मत जाओ, हम यहाँ पे सब अकेले पड़ जाएंगे। तेरा नानू घर बनाना है, तुम्हारी आड़ी आधी पढ़ाई भी बाकी है ना। हाँ, तुम अभी से ऐसा करेगा तो कैसे होगा? तुम मेरी गुड़िया हो, है ना? तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता। तू पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? और मनोहर काका है ना, उनके पास मैं पैसा भेज दूंगी। और आज से तुम्हें इनके बाप और तुम्हें इनके पापा। हाँ दीदी, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। सर ये वाला नंबर, इसकी पूरी डिटेल्स निकाली है मैंने। सर वो लोकेशा मुंह नहीं खोल रही, वो बहुत डरी हुई है। सिंह, ये केस कहां से शुरू हुआ था और कहां पहुंचा है? इस केस से जुड़ी हर वो बात जो लोकेशा जानती है हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और ये भी कि उसने बच्चे को क्यों मारा। लेकिन उसे सच बुलवाने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। यस सर। दीदी, लक्ष्मण, महेश और केसरी का? दीदी महेश मर गया। लोकेशा, तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए हमारी टीम दिन रात एक कर रही है। केसरी और उस जैसी लड़कियों को उनके चंगुल से छुड़ाना। देखो, हम समझ सकते हैं तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं, लेकिन जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं था। अब हमें खुल के बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों मारा तुमने उस बच्चे को। देखो, हमारी मदद करो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। डरो नहीं,
बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। 28 साल की थी जब मुझे रघु इधर लेके आया था। मेरा पति मर गया और मेरे बच्चे भी नहीं थे। मेरे दो भाई और मेरी बहन केसरी, उन लोगों को मैं अपने मासी के पास छोड़ के इधर काम करने आ गई दिल्ली में। वो रघु ने मुझे एक मसाज पार्लर में बेच दिया। वहाँ पे मसाज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती थी। वो सब काम भी करवाते थे जो मुझे नहीं करना। हर रोज लोग आते थे, मैं गिनना भूल गई। मैं बस यही प्रार्थना करती थी कि मुझे भगवान इस नरक से निकाल दे। 2-3 साल तक मैंने ये काम किया। फिर मेरी बढ़ती उम्र की वजह से मुझे मुंबई में एक घर में आया का काम दिलवा दिया। उसका मुझे रघु को कुछ कमीशन देना पड़ता, लेकिन मेरे लिए सही था क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस दलदल से बाहर निकल गई। लेकिन तृप्ति मैडम पेट से थी जब ही मैं उनके पास काम करने आई। अरे जान नहीं है क्या तेरे हाथों में? जा, तुझसे नहीं होगा, जाके अपना काम कर। और सुन, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। उनके पति का मेरे पे बहुत गलत नजर था। मुझे पता था कि मैं ज्यादा देर तक उससे नहीं बच सकती। सब मर्द एक जैसे होते। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, तुमने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? कहीं दूसरी जगह नौकरी क्यों नहीं ढूंढ ली? मेरे पास कागज नहीं है ना, तो इन लोगों ने मुझे काम पे रख दिया। वो लोग पगार तो देते थे लेकिन उसकी कीमत कई तरह से निकालते थे। लेकिन एक चीज था जिसकी वजह से मेरा मन लगा रहता था वहाँ। वो क्या? मैडम जी का बच्चा ऋत्विक बाबा। मेरा कोई बच्चा नहीं था ना, तो मैं बहुत खुश रहती थी ऋत्विक बाबा को अपनी गोद में खिला के। ऐसा लगता था जैसे मेरा अपना बच्चा। ऋत्विक ए लोकेशा, ये क्या ऋत्विक लगा रखा है तूने इसे? बाबा बोला कर इसे। अगर तू इसे ऐसे बोलेगी तो घर के बाकी नौकर क्या बोलेंगे इसे? सब मैं रहती तो उनके घर पे थी, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी। पति रोज रात को हवस निकालता था अपने, और मैडम मुझे ऐसा देखते थे जैसे मैं गंदगी हूँ। तो इसका गुस्सा तुमने उनके बच्चे की जान लेकर निकाला? नहीं साहब, बच्चे से क्या दुश्मनी। मैं तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मुझे नेपाल के बारे में पता चला कि वहाँ पे भूकंप आ गया और मुझे अपने परिवार के पास जाना था। मैडम जी, कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। आपने टीवी पे देखा होगा ना, नेपाल में भूकंप आ गया। मुझे मेरे परिवार से मिलना, बताने किस हाल में हूँ। मरा तो नहीं ना कोई? फोन पे बात हुई ना तेरी? जब देखो जब छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए। अगर तुझे जाना है ना, तो जो पगार लिया था ना वो एडवांस देकर जा। और भागने की कोशिश की ना तो पुलिस पे कंप्लेंट करवा दूंगी, समझी तू? आई छुट्टी चाहिए इसे। मेरे भाई और मेरे बहन से मुझे मिलना था। भाइयो भाइयो बेसी भाइयो ला चुप, दूध पर ढूंढ देना की भाई थी मिलाई। हेलो हेलो दीदी, मैं केसरी बोले को। केसरी तो भाई कस्ता छो? तू कहाँ पे और तू इतने दिन से तेरा कॉल क्यों नहीं आया? तू ठीक तो है ना? दीदी मैं दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली में क्या कर रही तू? वहाँ पे किसके साथ है? रघु भैया के साथ। रघु बोल रहा, बहुत बात हो गई। केसरी हेलो बाबा चुप चुप ना। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूं मैं मैडम जी को हर रोज बोलती थी कि मुझे छुट्टी दे दो, मुझे मेरे भाई बहन से मिलना है। मैम साहब, वो मुझे छुट्टी चाहिए। मेरी बहन बहुत मुसीबत में। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। केसरी की बहुत फिक्र होने लगी। वो रघु के चुंगल में फंस गई थी। 10वीं तक पढ़ी, बहुत सुंदर है। रघु ने जो मेरे साथ किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी अगर वो सब केसरी के साथ हो जाता तो।
मुझे बहुत चिंता होने लगी। ऋत्विक पापा खो ही जा रहे थे। ऋत्विक पापा चुप रहो, चुप रहो। कोशिश की, मैडम जी भी मुझे घर जाने नहीं दे रहे थे। मुझे मुझे मेरी बहन को और मेरे भाइयों को बचाना था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरा सिर फटा जा रहा था। और उसी बेचैनी में मैंने रितेश पापा को फेंक दिया। सर मुझे पता है मैंने जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन उसकी सजा मेरी बहन केसरी को नहीं मिलना चाहिए। मैं केसरी को बचा। लोकीशा और केसरी जैसी लड़कियां अपने देश में बेघर और बेसहारा होकर निकल पड़ती हैं रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में, लेकिन भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का वो आसान शिकार बन जाती हैं। वो मजबूर होती हैं और उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा हर कदम पर हर कोई उठाने को तैयार रहता है। उनकी आजादी उनसे छीन ली जाती है। वो लौट कर जाना भी चाहें तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता। इनमें से कुछ इस दर्द को अपना नसीब मान लेते हैं और कुछ हालात से लड़कर आजादी हासिल करते हैं। जुर्म की इस बड़ी दस्तक पर अब पुलिस मुस्तैद होकर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। सर, सर उस लड़की कीर्ति के बनवाए स्केच के आधार पर हमें रघु के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिली है। सर आज से 7 साल पहले बिहार में एक ग्रुप रॉबरी और मर्डर हुआ था, जहां 4 में से 3 अपराधी पकड़े गए, अभी भी सजा काट रहे हैं। ये 4था फरार आदमी है। इतने खतरनाक आदमी के साथ केसरी और ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, पता नहीं किस साल में होंगी। आप मुझे ऐसे छोटे कपड़े पहनाकर क्यों तैयार कर रहे हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। हेलो रघु, लड़कियां रेडी हैं? अब बोल। सर, रघु के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। सदर बाजार के डिलाइट फोटो स्टूडियो में रघु कुछ लड़कियों के साथ देखा गया है। चलो। आदमी को पहचानता? हाँ सर, ये आदमी कुछ दिन पहले ही आता है यहाँ पे, कुछ लड़कियों को लेकर। कह रहा था फोटो खिंचवानी है। ए, चल अभी देर हो गया, दूसरी को भेज। सर कुछ वीजा लगवाने के लिए बोल रहा था। इन फोटोज का फॉर्मेट 4 कंट्री से होता है, मतलब ये लड़कियों को आउट ऑफ इंडिया लेके जाने वाला है। सिंह सर, PCR से कॉन्टेक्ट करो। यस सर। मैं लड़कियों के फोटोज और नेम मेल कर रहा हूँ, फॉरेन कंसुलेट से पता करो इन लड़कियों का गल्फ कंट्रीज के लिए वीजा लगवाया गया है क्या। रघु लड़कियां तैयार हैं। चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी। ओके थैंक्स सर, खबर पक्की है, वीजा लिया गया था उन 3 लड़कियों के लिए। फ्लाइट डिटेल्स भी मिल चुकी हैं और फ्लाइट 3 घंटे में छूटने वाली है। टाइम बहुत कम है, हमें डिपार्चर से पहले वहां पहुंचना होगा। राइट सर। सिंह, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को अलर्ट कर दो, फ्लाइट डिले कराना हो तो भी डिले करवाओ और कहना कि सभी एंट्री एग्जिट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी की हेल्प चाहिए हमें। ओके सर। Hey, rock! Hey, rock!
दीदी। केसरी, केसरी, तू कैसे हो दीदी? तू ठीक है ना? तुझे चोट नहीं आई ना? केसरी ये क्या पहना है तूने? बेटा, उसने रघु ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया ना? नहीं ना। दीदी, आप यहाँ पर कैसे? अब मेरी जिंदगी इसी जेल में जाएगी। जिंदगी ने तुझे दोबारा मौका दिया है ना? तू इसे गवाना मत, किसी के भी झांसे में मत आना, ठीक है? और अपने सारे सपने पूरा कर, लक्ष्मण का ख्याल रख, अपना भी पूरी तरह ख्याल रखना, ठीक है? पूर्ण स्वराज की इमारत मानवता और समानता की नींव पर खड़ी होती है। जब हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसे स्थापित करने के लिए हम में से हर एक का योगदान जरूरी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी जैसा संगीन अपराध सिर्फ मानवता पर ही नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की सोच पर भी प्रश्न चिन्ह है। तृप्ति ने अगर लोकेशा की मनस्थिति समझी होती तो शायद यह अपराध टल सकता था, लेकिन अपराध के लिए बस वो एक पल दोषी होता है जब इंसान की सोच उसके हालात पर हावी हो जाती है। मुंबई और दिल्ली पुलिस की सक्रियता ने केसरी जैसी न जाने कितनी लड़कियों को इस दलदल में फंसने से बचा लिया। सरकार ने केसरी और उसके भाई लक्ष्मण को अपने ही देश की एनजीओ की मदद से आश्रय दिया। उनकी सुरक्षा करने वाले सभी पुलिस कर्मियों की कलाइयों पर राखी बांधकर भारत से जाते जाते वो स्नेह और कर्तव्य की मिसाल ले गए। मुझे दो, मैं देखता हूं। लगभग 6 लाख से 8 लाख जीते जागते इंसान हर साल अवैध रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार कराए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं। ये बच्चे प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार या बाल मजदूरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे इनका बचपन छीन लिया जाता है, जवानी लूट ली जाती है। जब हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों की आजादी को कुचल देते हैं तब ऐसे संगीन हालात पैदा होते हैं। शोषण, असमानता, जुल्म, जब तक किसी भी समाज में ये रहेंगे तब तक पूर्ण स्वराज एक सपना ही रहेगा। सब मिलकर कदम उठाएंगे तो अपराध टल भी सकते हैं और उनसे मुक्ति भी मिल सकती है, और ये है असली आजादी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।